रक्तदान महादान या यूं कहें कि जीवन दान, इसी नेक उद्देश्य से सोलन में मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य पर संत निरंकारी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी सत्संग भवन में किया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने किया। रक्तदान शिविर का आरंभ संत निरंकारी संस्था के सदस्यों द्वारा अपने गुरु को याद कर किया गया। इस अवसर पर सभी से सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस मौके पर सभी सदस्यों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 147 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संत निरंकारी संस्था के शिमला क्षेत्रीय संचालक इंद्र मोहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मानवता के कल्याण के लिए रक्तदान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों व दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए इस तरीके के शिविर लगाने से रक्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान वही लोग करते हैं जो मानवता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने संत निरंकारी के सदस्यों को भी इस नेक काम के लिए बधाई दी। आज संत निरंकारी मिशन द्वारा फाउंडेशन, चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया और यहां बढ़ चढ़ कर सात संगत सेवा दल के नौजवान बहन भाई, चैरिटेबल के बहन भाइयों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान दिया। ये जो रक्तदान शिविर है, हमारे पूर्व सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में हर वर्ष सारे देश भर में लगाए जाते हैं, जहां निरंकारी अनुयायी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। उद्देश्य ये है कि मानवता के कल्याण के लिए ये रक्तदान दिए जाते हैं कि कोई भी इंसान खून की कमी के कारण उसकी मृत्यु ना हो, जहां भी जिसको आवश्यकता पड़ती है उसको रक्त पूरा मिलना चाहिए। सोलन से अमरप्रीत पुंज। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.